हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज वीडियो नहीं आया क्योंकि आज थोड़ा बिजी था मैं। शायद कल भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे काम हैं, जो 5 फीट टैंक की पेंडिंग है। और देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर क्या है, 5 फीट का टैंक का भी काम चल रहा है अभी, जो मैं खुद अकेला करना पड़ता है और इसलिए टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और साथ में यहाँ पर देखिए टर्टल और फिश पॉन्ड, यहाँ पर आज पेंट तो हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जो भी है, यहाँ पर डोर सब फिनिश हो चुकी है। फ़िश पॉन्ड का काम देखिए, टाइल्स का काम तो हो चुका है, अभी थोड़ा इसका काम फिनिशिंग देना बाकी है। जैसा कि यहाँ पर टाइल्स में थोड़ा पेस्ट लगता है, वहाँ पर कॉर्नर में जो गैप बची है उसको थोड़ा पेंटिंग का पेस्ट लगाते हैं ताकि वो लीक ना हो, तो इसलिए थोड़ा बाकी है। और यहाँ पर भी गेट आएगा और यहाँ पर मैंने सम्प बना दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पानी जो पाइप यहाँ से आएगा और यहाँ पर हम मीडिया फिल्टर ये वाला जो स्पंज होता है वहाँ पर कर देंगे, एक मोटर फिट कर देंगे जिसमें ये सम्प बन जाएगा, सम फिल्टर हो जाएगा ये कोई पॉन्ड का। तो कोई पॉन्ड का भी काम बाकी है, तो मतलब 70% कम्प्लीट हो चुका है और थोड़ा बाकी है। और टर्टल पॉन्ड का देख सकते हैं यहाँ पर मेसिंग पूरा काम हो चुका है। तो देखिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ, अभी इसके ऊपर हम ऊपर शीट्स लगाएंगे, अतराफ में सब प्लास्टिक की जो शीट आती है वो भी लगाएँ, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कोई चील वगैरह कोई अंदर आकर लेकर नहीं जाएगा टर्टल्स को। और बारिश की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रहेगी जिससे यूवी लाइट इनडायरेक्टली मिल जाएगा, और अतराफ से जो है प्लास्टिक की जो शीट आती है वो रहेगी जिसकी वजह से बारिश या वगैरह कुछ नहीं होगा। तो टर्टल पॉइंट यहाँ पर देखिए तकरीबन बहुत दिन से ये ऐसा ही पड़ा है, इसको फिर रीडेकोरेट करना पड़ेगा। एक बार जब शीट यहाँ पर पड़ जाएगी तो उसके बाद टर्टल को हम हमेशा छोड़ के फिर उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ताले के लिए जगह भी बना दिया है ताकि फ्यूचर में यहाँ पर रख के इस तरह ताला लगा देंगे और ये शीट सब बंद हो जाएगा तो कोई लेके नहीं जाएगा उसको। और जब चाहे खोल के उसको क्लीन कर सकते हैं, फूड डाल सकते हैं। और भी थोड़ा काम बाकी है, और भी थोड़ा मैंने आइडिया सोचा हुआ इसके लिए, वो आने वाली वीडियोस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल मेस का काम हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर मेस का पूरा काम हो चुका है अवेरी जैसा। तो फिश का पॉन्ड का भी यहाँ पर पूरा डोर आएगा, वो फ्यूचर में बनाएगा। मैंने पेंडिंग रखा है क्योंकि मैं सोच रहा था वन बाई वन करके करेंगे, एट ए टाइम पूरा करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एट ए टाइम पूरा कर दो तो बहुत सा लग जाता है, आप समझ जाओ। अभी 5 फीट का टैंक का भी काम हो रहा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर ये फिलहाल इतना अपडेट है आज का, आज वीडियो नहीं डाला, कल भी था वीडियो, कल आया था मेरा जो पुराना वीडियो था, आज वीडियो नहीं आया, कल भी शायद नहीं आएगा, जिसकी वजह से मैं ये अपडेट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों अभी वीडियो नहीं आ रहा है। मैं नए टैंक्स के ऊपर, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और रैबिट्स का भी काम आएगा। रैबिट्स का ये घर का मैंने बना दी के सोच लाए, तो ये दोनों ख़त्म होने दो, उसके बाद में इसका भी काम शुरू कर देंगे। हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगे, आप बताइए मिसिंग में मैं क्या लगाऊँ, सजेस्ट दो। ऊपर शीट लगाऊँगा, बारिश की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और चील बिल्ली वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही अच्छा होगा वीडियो आने वाले दिनों में, धीरे धीरे करके हम स्टेप ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है काम करने में। आज मैंने ही पूरा पेंट किया इसको, अभी काम बाकी है, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़े अपडेट्स हैं जो बताना ज़रूरी है। देखिए मैंने नीचे भी टाइल्स लगा हुआ है, थोड़ा ये इटालियन मार्बल है, ब्लैक कलर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ब्लैक कलर डालो करके, लेकिन हमने इटालियन मार्बल डाला है। थोड़ा ब्लैक होने से क्या होता है, पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमने इटालियन मार्बल डाला है। थोड़ा ग्रे कलर आएगा, ये भी अच्छा लगेगा। नीचे भी रफ़ टाइल्स हैं, नीचे भी टाइल्स हैं ताकि पानी जो है लीक ना हो, इसलिए पूरा ध्यान रखा गया है। पानी फ्यूचर में कभी भी नीचे जो है 3 इंच की कंक्रीट डाली है, और यहाँ पर भी पेंट आएगा, सामने जो हिस्सा है वो भी पेंट करेंगे हम लोग, अंदर भी पूरा टाइल्स रहेगा और यहाँ पर सम्प हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने ये दीवार बड़ी की है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था दीवार हम हाइट कर रहे हैं, तो उसको भी टाइल्स डाल दिए, दीवार हाइट करके भी टाइल्स डाल दिए, जिसकी वजह से भी टर्टल्स बाहर नहीं आ पाएंगे। तो देखिए अंदर का हिस्सा है इस तरह, टर्टल का ये हाइडिंग प्लेसेस है जिसे हमने बनाया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पर शीट्स आ जाएंगे तो पूरे बंद हो जाएंगे, बाद में फीचर का जो हम यहाँ पर देख रहे हैं नहीं देख पाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर भी थोड़ा रीडेकोरेट करना पड़ेगा। हाइडिंग प्लेस और भी एक डालने का सोच रहा हूँ मैं, और थोड़ा बहुत पेंटिंग भी कर लूँगा वहाँ पर जो गैप है, और थोड़ा इसको रिलेट हो जाए। और यहाँ पर जो खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर पानी तो आता है आपको पता है, और यहाँ पर सम्प आएगा, इसको भी फुल कवर कर देंगे तो वहाँ का नज़र नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप टर्टल पॉन्ड फिश पॉन्ड को क्यों मिलाना चाहिए, एक कर दो। तो एक कर दूंगा तो टर्टल इतने बड़े हैं कि वहाँ जाकर फिशेस को खा जाएंगे, इसलिए हमने अलग अलग रखा हुआ है। मैंने कभी कोई वीडियो में मैंने रिकमेंड नहीं किया कि आप टर्टल को फिश के अंदर रखें, क्योंकि इट्स नॉट गुड। फिशेस जो है, फिशेस को टर्टल्स खा लेते हैं, चाहे जितने भी बड़ी टर्टल हो वो छोटे फिशेस को या बड़े फिशेस को अटैक कर लेते हैं।
तो पैंट भी थोड़ा अलग गया वहाँ पर, टेरेस पर सब क्लीन करना पड़ेगा। तो इस तरह से अंदर ताला लग जाएगा। ये हाइट कर दिया हमने, अभी हाइट रहने से टर्टल ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ही हैं, धीरे धीरे करके हम अपग्रेड कर रहे हैं। और फिश पॉन्ड का काम तो इस मंथ में शायद कम्प्लीट, अभी टर्टल का 2 दिन में हो जाएगा, कल परसों में सेटअप कम्प्लीट होके। आज क्या दिन है, आज का दिन है वेडनेसडे, थर्सडे मतलब फ्राइडे के दिन आपको मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फ्राइडे या सैटरडे के दिन, जब टर्टल्स पूरे अंदर रह जाएंगे, परमानेंटली ऐड कर दिए जाएंगे, जब टर्टल जो है अंदर परमानेंटली ऐड कर दिए जाएंगे। फिर मंडे या ट्यूसडे इसका काम करेंगे, मंडे ट्यूसडे तक भी या वेडनेसडे तक इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 5 फीट का टैंक शुरू करेंगे। तो वन बाई वन कर रहे हैं हम लोग, मैं वन बाई वन अपडेट कर रहा हूँ, हम लोग मतलब मैं कर रहा हूँ, हमारी कोई टीम नहीं है, अकेला ही करना पड़ता है। तो हमने देखे यहाँ पर जो कपड़े सुखाने के लिए तंती लगी हुई थी, यहाँ पर देखा होगा अपने पहले, बहुत सारे लोग जो पहले देख रहे हैं उनको भी, उसको भी हमने चेंज करके यहाँ पर डाल दिया है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आज का अपडेट इतना ही है, आप बताओ क्या मैं कौन सा पॉइंट इसको करूँ, सामने जो पॉइंट होता है वो कौन सा कलर करूँ, आप सजेस्ट करो। और ये कैसा लगा सेटअप मुझे ज़रूर बताना, अभी आने वाले दिनों में और अच्छा लगेगा। 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो इसके सारे जो है वो शीट सब लगा कर उसके बाद टर्टल्स को छोड़ूंगा, तो और भी अच्छा लगेगा। फिश पॉन्ड भी ये 1-2 हफ्ते के अंदर वीडियो मिल जाएगा, और 5 फीट की टैंक जो पेंडिंग है, हो सकता है इस महीने या अगले महीने तक ये कंप्लीट हो जाए। वन बाई वन करके अपडेट मिलते रहेंगे। आज का अपडेट कैसा लगा आपको वीडियो में ज़रूर फीडबैक देना, और जो भी सजेशंस है आप ज़रूर सजेशंस करना कि क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो काम पेंडिंग है उसमें क्या हम किस तरह से कर सकते हैं ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय। कर रहे हो।